मेरे प्यारे स्टूडेंट, यूपी बोर्ड के क्लास 9 के स्टूडेंट, इस साल जो आपके सिलेबस में इंग्लिश के चैप्टर बदले हुए हैं, उस चैप्टर की कड़ी में हम एक चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस। ये हैप्पी प्रिंस ये इतना दयालु, इतना ममता और इतना करुणा से भरपूर है कि आप जब इस कहानी को पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि दिल को छू जाने वाली ये कहानी, इसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। तो आइए, इसको लिखने वाले हैं ऑस्कर विल्डे। तो आइए सबसे पहले हम इस स्टोरी के बारे में जानना शुरू करते हैं। द हैप्पी प्रिंस वॉज ए ब्यूटिफुल स्टैचू। एक हैप्पी प्रिंस एक सुंदर सी मूर्ति है, मूर्ति थी। ही वॉज कवर्ड विथ गोल्ड, जो सोने से ढकी हुई थी। ही हैड सैफिर्स फॉर आईज, जिसकी आंखों में नील मणि सैफिर्स जड़े हुए थे। एंड ए रूबी इन हिज स्वॉर्ड, और उसके तलवार की मुठिया में, तलवार में एक रूबी बहुमूल्य पत्थर, लाल पत्थर जड़े हुए थे। वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विथ ऑल द गोल्ड, क्यों यह हैप्पी प्रिंस अपने सारे सोने से ढके हुए अपने वस्त्र को, दैट ही हैड एंड हिज प्रीसियस स्टोन्स, और बहुमूल्य पत्थर जो उसके उसके पास थे, सबको दान कर देता है। उस महान दानता की कहानी हैप्पी प्रिंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाई अबोव द सिटी, शहर की ऊंचाई पर, ऑन ए टॉल कॉलम, ऑन ए टॉल कॉलम, एक बड़े से स्तंभ पे, यानी कि एक लंबे से चबूतरे पर, स्टूड द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस की मूर्ति खड़ी कर दी गई थी। ही वॉज ग्लिडेड ऑल ओवर विद थिन लिप्स और फाइन गोल्ड, पूरे शरीर को सुंदर सुनहरे पतले पतले सोने की धारियों से ढके हुए थे, जो कि चमक रहे थे। फॉर आईज, उसकी आंखें, ही हैड टू ब्राइट सैफिर्स, दो चमकने वाले नील मणियों से जड़ी हुई थी। एंड ए लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, और एक लार्ज बहुत बड़ा लाल कलर का बहुमूल्य पत्थर, ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, तलवार की मूठ में उसके जड़े हुए थे। वन नाइट, एक रात की बात है, देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो, एक छोटा अबाबिल पक्षी शहर के ऊपर उड़ता हुआ गुजरा। हिज फ्रेंड्स हैड गोन अवे टू इजिप्ट 6 weeks बिफोर, उस अबाबिल पक्षी के सारे मित्र 6 सप्ताह पहले ही मिस्र देश को रवाना हो चुके थे। बट ही हैड स्टे बिहाइंड, लेकिन वह इनके पहले अभी भी पीछे रह गया था। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, उस अबाबिल छोटे से पक्षी ने, स्वेलो ने, यह निर्णय किया कि मुझे भी मिस्र को चले जाना चाहिए। ऑल डे लॉन्ग ही फ्ले, पूरा दिन वो उड़ता रहा। एंड एट नाइट, और जब रात का समय आया, ही अराइव्ड एट द सिटी, तो वो शहर में पहुंच गया। वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड, उसने कहा मैं कहां उतरूं। आई होप द टाउन हैड मेड प्रिपरेशन, मैं आशा करता हूं कि यह शहर कुछ तैयारियों में लगा हुआ है। देन, उसके बाद, ही saw the स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, उस बड़े से स्तंभ पर खड़े उस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू पे उसकी नज़र पड़ती है। आई विल पुट अप देयर, ही cried, उसने चिल्लाया कि मुझे यहीं नीचे उतरना चाहिए, उतरूंगा। इट इज़ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, यहाँ पे मुझे तरोताज़ा ऑक्सीजन, हवा प्रचुर मात्रा में मुझे प्राप्त होगी, और यह मेरे लिए बहुत ही सुंदर जगह है। सो यही निर्णय करते हैं, ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, वह नीचे उतरता है हैप्पी प्रिंस के दोनों पैरों के बीच में। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, वो मधुरता से, कोमलता से अपने आप से कहता है कि यह मेरे लिए एक सुनहरा सा घर होगा। एज जैसा कि ही लुक्ड डाउन, वो चारों बगल देखता है। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, चारों बगल देखने के बाद वो सोने के लिए तैयारियां करना शुरू कर देता है। बट जस्ट एज, लेकिन जो ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स, वो अपने सर को अपने पंखों के अंदर छुपाता है, छुपा कर रखना का प्रयास करता है, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल, उसके ऊपर एक बड़ी सी पानी की बूंद उसके ऊपर आ गिरती है, ऑन हिम। व्हाट ए क्यूरियस थिंग, ही क्राइड, वो चिल्लाते हुए कहता है, ये विचित्र चीज क्या है। देर इज नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आसमान की तरफ नजर दौड़ाता है और देखता है आसमान में तो एक भी बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं। द स्टार्स आर
क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, आसमान में तारे बिल्कुल साफ है एंड ब्राइट और चमक रहे हैं, एंड और फिर भी एट इट इज रेनिंग, यहाँ बारिश हो रही है। देन द अनदर ड्रॉप फेल, उसके बाद एक और बूंद आ गिरती है उसके ऊपर। अभी इन विचारों को सोचने के बाद भी एक और बूंद आ गिरती है। वॉट इज द यूज ऑफ ए स्टैचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड, वो कहता है इस स्टैचू की क्या उपयोगिता है जब ये गिरते हुए बारिश की बूंदों को रोक नहीं सकता। आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट, मुझे अवश्य कोई बड़े से चिमनी पॉट की तलाश करनी चाहिए। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और वो इतना सोचकर वहां से उड़ जाने का दृढ़ निश्चय पक्का इरादा कर लेता है। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स, लेकिन अपने पंखों को खोल कर जो ही वो उड़ने के प्रयास करता है उसके पहले ही अ थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरी बूंद उसके ऊपर आ गिरती है। एंड ही लुक्ड अप, और वो आसमान की तरफ देखने लगता है। एंड सा, और देखता क्या है, आह ये क्या, वॉट डिड ही सी, उसे क्या दिखाई देता है। द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, हैप्पी प्रिंस की आँखें आंसुओं से भर गई थी। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और ओके हैप्पी प्रिंस के जो आंसू थे वो उसके सुनहरे गालों से होते हुए नीचे गिर रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट, चांदनी रात में हैप्पी प्रिंस का जो चेहरा था अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रहा था। दैट की द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विथ पीटी, अब उसका यह चेहरा देखने के बाद उस लिटिल स्वेलो अब्बाबिल छोटे से पक्षी को इस हैप्पी प्रिंस के ऊपर दया आ जाती है। हु आर यू, ही सेड, वो मधुरता और कोमलता से पूछता है तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस बताता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, तब तुम क्यों रो रहे हो, तुम रो क्यों रहे हो, आस्क द स्वेलो, स्वेलो पूछता है। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने तो मुझे बिल्कुल भिगो ही दिया था। When I was alive, तब हैप्पी प्रिंस अपनी स्टोरी बताता है कि जब मैं जीवित था एंड हैड ए ह्यूमन हार्ट, और मेरे अंदर एक मानवीय दिल था। आंसर द स्टैचू, उस मूर्ति से आवाज़ आती है, आई डिड नॉट नो वॉट टीयर्स वर, मुझे ये बात पता नहीं थी कि आंसू और तकलीफ क्या होते हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं कई सालों से महल में ही रहा। वेयर सोरो इज नॉट अलाउड टू इंटर, जहाँ पे दुख दर्द और कष्ट को प्रवेश करना मना था। My courtiers called me the Happy Prince, मेरे सारे दरबारी मुझे Happy Prince के नाम से पुकारते थे। And happy indeed I was, और वास्तव में मैं खुश था भी। So I lived, और इसी प्रकार मैं जीवन जिया। And so I died, और ऐसे ही मेरी मृत्यु हो गई। And now, और अब that I am dead, जब मेरी मृत्यु हो चुकी है, मैं मर चुका हूँ। थाउ यद्यपि दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई, लोगों ने मुझे मरने के बाद सेट में स्थापित कर दिया है अप यहाँ पे ऊंचाई पर, हेयर यहाँ पर सो हाई इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर, दैट की आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मैजिक ऑफ माई सिटी, कि मैं अपने शहर में उस सारे दुख और कष्ट और तकलीफ़ों को अपनी आँखों से देख सकूँ। एंड थाउ, और यद्यपि माई हार्ट इज मेड ऑफ लीड, मेरा जो दिल है वो शीशे का बना हुआ है, कठोर है, एट फिर भी आई कैन नॉट चूज बट वीप, मैं उसे रोक नहीं सकता और मेरे आंसू निकलने लगते हैं। What? क्या इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, अब बाबिल पसी सोचता है कि क्या ये प्योर गोल्ड का नहीं है। सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ, स्वेलो ने अब ये बात अपने आप से कही, अपने मन में कही। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, वो अपनी बातों में इतना नर्म और विनर बन चुका था कि वो अपनी पर्सनल रिमार्क को, व्यक्तिगत टिप्पणी को उसके ऊपर थोपना नहीं चाहता था। इसलिए उसने ये बात अपने दिल में छुपा ली और उससे तकलीफ और पहुँचाए, ये कारण जानते हुए उसने वो बात नहीं पूछी। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, हैप्पी प्रिंस अपने उस मधुर आवाज़ में लगातार कहता चला गया, आगे बताता रहा संगीतमय आवाज़ में कि दूर फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट, दूर गांव, दूर की गली, एक छोटे से गली में देयर इज ए पुअर हाउस, एक गरीब परिवार रहता है। वन ऑफ द विंडो इज ओपन, उस गरीब परिवार की घर की एक खिड़की खुली हुई है। एंड थ्रो, और इसके अंदर इट आई कैन सी ए वुमैन सीटेड एट ए टेबल, मैं एक औरत को देख रहा हूँ जो एक टेबल के पास बैठी हुई थी।
हर फेस इज थिन, उस औरत का चेहरा पतला है, एंड वार्म और काफ़ी गर्म है, यानी कि उसकी तकलीफ है, एंड सी हैज कोट्स और काफ़ी भद्दा नजर आ रही है। रेड हैंड्स, उसके हाथ लाल हो चुके हैं, ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, सुइयां चलाने के कारण उसके हाथ लाल हो चुके हैं चुभोते चुभोते। फॉर सीज मेड ए सिमिस्ट्रेस, शायद वह एक दर्जी ने सिमिस्ट्रेस है। सीज ओम्ब्राइडिंग फ्लावर्स ऑन ए शर्ट इन गाउन, वो फूलों पे कढ़ाई कर रही है, फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, ताकि वो महारानी की सम्मान के लिए उनके एक प्यारी सी सटिन गाउन में फूलों की कढ़ाई कर कपड़े तैयार कर सके। टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट्स बॉल, जो महारानी पहनकर अगले दरबार में पहुँचे। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, उसके घर के एक कोने में, जहाँ पे बिस्तर लगा हुआ था, हर लिटिल बॉय इज लिंग इल, उसका छोटा लड़का बीमार पड़ा हुआ है। He has a fever, उस लड़के को बुखार है, and is asking his mother to give him oranges, और माँ से ऑरेंज की वो डिमांड कर रहा है, बार बार मांग रहा है, माँ मुझे कुछ संतरे दे दो खाने के लिए। His mother has nothing to give him, उसके माँ के पास उसको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, but river water, केवल नदी के पानी के अलावा। सो ही इज क्राइंग, इसलिए बालक खूब रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, हैप्पी प्रिंस कहता है, अब बाबिल छोटे अब बाबिल पक्षी, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, मेरे तलवार की मूठ में लगी हुई यह रूबी, रेड कलर की यह बहुमूल्य पत्थर, क्या तुम ले जाकर उसको नहीं दे सकते? My feet are fastened to this pedestal, मेरे पैर को इस pedestal स्तंभ में जकड़ दिए गए हैं, and I cannot move, और मैं हिल भी नहीं सकता। I am waited for in Egypt, said the swallow, तब swallow ने जवाब दिया, नहीं, मैं मेरे विजिट में मिस्र में इंतजार हो रहा है, मैं My friends are flying up and down the Nile, मिस्र में बहने वाली नील नदी के ऊपर मेरे दस ऊपर और नीचे उड़ रहे हैं, and talking to the large lotus flower, और कमल के फूल के बड़े से कमल के फूल के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। Soon they will go to sleep, जल्दी वे सोने चले जाएंगे। The prince asks the swallow to stay with him for one night and be his messenger. प्रिंस ने, राजकुमार ने उस अबाबिल पक्षी से कहा, कृपया वन नाइट, एक रात मुझे समय दे दो और मेरा संदेशवाहक बन जाओ। द बॉय इज सो थर्स्टी, लड़का बहुत ज़्यादा प्यासा है, एंड द मदर सो सैड, और उसकी माँ काफ़ी उदास है। ही सेड, उस हैप्पी प्रिंस ने अबाबिल पक्षी से कहा, I don't think I like boys, answered the swallow. तब अबाबिल पक्षी ने जवाब दिया, I don't think I like boys. मैं सोचता हूँ कि मुझे बच्चों में कोई रुचि नहीं है, लड़कों को मैं पसंद नहीं करता, मैं तो पक्षी हूँ। I want to go to Egypt, मुझे इजिप्ट जाना है, मिस्र जाना है। But the happy prince looked so sad, ये बात सुनने के बाद happy prince काफ़ी उदास हो जाता है, that कि the little swallow was so sorry, और उसकी उदासी देखकर इस स्वेलो वाले पक्षी को दया आ जाती है और उससे वो माफ़ी मांगता है, वाह सॉरी, कि उसने उसे और कष्ट पहुंचाया। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, और अबाबिल पक्षी कहता है, यहाँ काफ़ी ठंड है। ही सेड, वो कहता है, बट ही एग्री टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, लेकिन एक रात उसके पास ठहरने के लिए वो राजी हो जाता है और उसका संदेशवाहक बनना स्वीकार कर लेता है। थैंक यू लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, उसके बाद राजकुमार हैप्पी प्रिंस कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, जो आज तुमने मेरे लिए एक बहुमूल्य समय दिया। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड, राजकुमार की उस तलवार से स्वेलो उस ग्रेट रूबी को ले लेता है, एंड फ्लू अवे विथ इट इन हिज बीक, और चोच में दबाए उड़ना शुरू कर देता है, ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, शहर की छतों से ऊपर होता हुआ वह उड़ता हुआ चलने लगता है। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, वह कैथेड्रल टावर ईसाइयों के टावर के ऊपर से गुजरा, वेयर द व्हाइट मार्बल एंगल्स वर स्कल्पचर, जहाँ पर एंगल्स देवदूत परियां सफेद कलर की दीवारों पर पत्थरों पर खुदे हुए थे। ही पास्ड बाय द पैलेस, वो राजमहल के ऊपर से गुजरा, एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, और राजमहल के अंदर वो नृत्य की आवाज़ सुना। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी, एक सुंदर सी लड़की बरामदे में आई विथ हर लवर, अपनी प्रेमिका के साथ।
आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, एक हिस्सी सेड, उस लड़की ने कहा, मेरी उम्मीद है कि मेरी जो पोशाक है वो तैयार हो चुकी होगी समय में ही, क्योंकि मुझे इसे स्टेट बॉल में पहनना है। आई हैव ऑर्डर फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट बट द सिमिस्ट्रेस आर सो लेजी, मैंने दर्जन को आदेश दे दिया है कि वह उसके ऊपर फूलों की कढ़ाई भी कर दे, बट द सिमिस्ट्रेस आर सो लेजी, लेकिन दर्जन लोग काफ़ी आलसी होते हैं। ही पास्ड ओवर द रिवर, वो नदियों के ऊपर से गुजरा, एंड सॉ द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप, और नदियों के ऊपर से गुजरने के बाद उसने नदी में आए हुए जहाजों के ऊपर जो बड़े बड़े मास्ट होते हैं उसके ऊपर लटकते हुए लालटेन को देखा। एट लास्ट और अंत में ही केम टू द पुअर वुमन्स हाउस, वो उस गरीब महिला के घर में पहुंच गया, एंड लुक्ड इन, और उसके अंदर देखा, द बॉय वॉज स्टोजिंग फेवरेशली ऑन हिज बेड, लड़का बुखार से फेवरेशली बुखार से बेचैनी से इधर उधर करवटें बदल रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी, ऑन हिज बेड, एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप, और उसकी माँ काम करने के कारण नींद में सो चुकी थी, सी वॉज सो टायर्ड, वह इतनी थक चुकी थी, ही इन ही होप्ड, तब यह धीरे से पक्षी साफ बाबिल पक्षी सरकते हुए धीरे धीरे फुदकते हुए, एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द ओमेंस थिम्बल, नाखून के कवच के पास वह अबाबिल पक्षी ओमैन के टेबल के नज़दीक उस रूबी को रख देता है। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, और उसके बाद वह जहां लड़का बीमार था उसके बेड के ऊपर प्यार से अपने पंखों को हिलाने लगता है, फैनिंग हवा करने लगता है, द बॉयज फोरहेड, लड़के के माथे के ऊपर, विथ हिज विंग्स, अपने पंखों से, हाउ कूल आई फील, सेड द बॉय, तब सोता हुआ लड़का कहता है, ये सोता हुआ लड़का, मुझे कितना ठंडक महसूस हो रही है, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मेरी तबीयत में सुधार हो रहा है, मैं अच्छा हो रहा हूँ, एंड ही सैंक इन टू ए डिलीशियस स्लम्बर, और इतना कहकर वह एक मधुर और प्यारी सी नींद में सो जाता है। देन तब द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, उड़ता हुआ वो पक्षी या बाबिल पक्षी हैप्पी प्रिंस के पास वापस आता है, एंड टोल्ड हिम, और उससे यह पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताता है, व्हाट ही हैड डन, कि उसने कौन सा काम किया है, इट इज कूरियस, यह विचित्र बात है, ही रिमार्क, वह टिप्पणी करता है, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, लेकिन आज मुझे कुछ बिल्कुल गर्म महसूस हो रही है, ऑल्दो इट इज सो कोल्ड, यद्यपि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है, दैट इज बिकॉज यू हैव डन ए गुड एक्शन, सेड द प्रिंस, तब हैप्पी प्रिंस जवाब देता है, ये ऐसा इसलिए महसूस हो रहा है तुम्हें क्योंकि आज तुमने एक बहुत ही नेक काम किया है, एंड द लिटिल स्वेलो बिगिन टू थिंक, और छोटा पक्षी इस बारे में सोचना शुरू कर देता है, एंड देन फेल एज स्लीप, और उसे गहरी नींद आ जाती है, वो सो जाता है, थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, सोचना लोगों को अक्सर नींद में डाल देता है। When day break broke, he flew down to the river and had a bath. जब दिन निकला वह अबाबिल पक्षी उड़ते हुए नदी के पास गया और उसमें स्नान किया. Tonight I go to Egypt, said the swallow. उसके बाद उस अबाबिल पक्षी ने कहा, आज रात मैं मिस्र को चला जाऊंगा, एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट एट द प्रोस्पेक्ट, और इसी उच्च विचारों में खोया हुआ वह था. He visited all the monuments, वो उसने सारे इमारतों का भ्रमण किया, and sat a long time on the top of church steeple, और चर्च के ढलावदार टॉप पर वो काफ़ी समय तक बैठा रहा. When the moon rose, he flew back to the happy prince, जब रात निकल कर आई वो उड़ते हुए हैप्पी प्रिंस के पास वापस आ गया. Have you any commissions for Egypt? He cried, वो चिल्लाते हुए पूछा, क्या तुम्हारे लिए मिस्र में कोई आदेश है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकूं? आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं जाने ही वाला हूं. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, स्वेलो पक्षी, अबाबिल पक्षी, प्यारे अबाबिल पक्षी, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, विल यू स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, क्या एक रात तुम मेरे पास और नहीं रुक सकते? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर द स्वेलो, स्वेलो ने जवाब दिया, मेरा मिस्र में इंतजार हो रहा है. प्यारे बच्चों, यहीं तक रोक दे रहे हैं हम, इसकी दूसरे पार्ट में इस स्टोरी को मैं कंप्लीट कर दूंगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद.